ठीक है आए हुए तमाम हमारा स्कूल का जो हमला है मुख्तलिफ स्कूलों से जो आए हुए बच्चे हैं सबको मेरा सलाम आदाब। आप लोगों को मालूम होगा कि ये स्पीक के प्रोग्राम के सिलसिले में आज हायर सेकेंडरी स्कूल उखाल में जो स्पीक का प्रोग्राम हमारे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है उस सिलसिले में यहाँ बड़ा एक बेहतरीन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। स्पीच के दौरा या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के दौरान समझाया गया कि जो हमारा स्पीक का मकसद क्या है। बेसिकली असल मकसद यह है कि जो भी हमारे लोग 18 वर्ष के हो रहे हैं 1 अक्टूबर 2022 को उन सब का इंदराज जो है वोटर लिस्ट में करना जरूरी है। इसी सिलसिले में हमें तमाम जो जगह में डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग स्कूलों में ये जो है अवेयरनेस फैला रहे हैं और अब जब यहाँ प्रोग्राम हमने मुनक्किद किया तो अब ये जो बच्चे हमारे सामने बैठे हैं जिनके सामने ये प्रोग्राम किया गया जिनके सुना आप लोग अब हमारे एम्बेसडर्स हैं। अपने अपने घरों में जाकर अपने अपने मोहल्लों में जाकर आप इस चीज़ को प्रमोट करेंगे अवेयरनेस अपने आसपास मोहल्ले में सभी लोगों को देंगे कि हर वो आदमी हर वो शख्स जो कि 1 अक्टूबर 2022 को 18 साल का हो जाएगा उसका वोटर लिस्ट में इंदराज कराना बहुत जरूरी है। ये अब आपका काम रहेगा। बाकी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस जो मुख्तलिफ हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल साहिबान हैं प्रिंसिपल साहब खुसूसन हायर सेकेंडरी स्कूल उखड़ाल जिन्होंने काफ़ी मेहनत के साथ ये प्रोग्राम तश्कील दिलवाए बच्चों में अच्छे प्रोग्राम मुनाकिद किए और ये हमारी स्पीक का जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ये चलता रहेगा और इस तरह हम अपने अपने इलाकों में जाकर इस चीज़ की अवेयरनेस लोगों में पहुँचा देंगे। हर उस शख्स का इंदराज यकीनी बनाए फोटो इलेक्ट्रल रोल में जिसकी उम्र 1 अक्टूबर 2022 को 18 साल की होगी। अभी आप सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अहकाम के ज़ेर एहतमाम हम स्पेशल समरी रिवीजन कर रहे हैं जो कि 15 सितंबर से शुरू हो चुका है और अभी 25 अक्टूबर 2022 तक कंटिन्यू रहेगा वो अमल चल रहा है। तो आप अपने अपने जो आपके इलेक्शन बूथ हैं जहाँ पे जो आपके बेलो साहिबान हैं आप ऑफलाइन भी जाकर अपने बेलो साहब से मिलते हैं जिनको अभी अब वो टेक्नोलॉजी की मदद से जिसे गरोदा ऐप है अभी जानते हैं इलेक्शन कमीशन ने जो अभी हाल हाल में लॉन्च हुआ उसके जरिए आप अपना करा सकते हैं या आप ऑनलाइन मोड में भी जो अभी आपको इससे पहले अवेयरनेस दे दी गई इखलाक जी द्वारा कि कैसे कैसे आप अपना इंदराज यकीनी बना सकते हैं। तो अभी आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ मैं फिर एक बार सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में काफ़ी सब्र किया क्योंकि पहले के ट्रैफिक जैमिंग की वजह से हम भी प्रोग्राम में थोड़ा लेट पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।